बोलते हैं कि नहीं जो भी गायक हैं वो हमारे लेवल के नीचे हैं, लेवल के ऊपर हैं। तो भोजपुरी में हम आप सबको एक बात बता दें कि एक दिन सबका बराबर किसी का नहीं रहता। जिन्होंने इनको ये जो अहम है और जिसका भ्रम है कि नहीं जो हमसे नीचे के कलाकार हैं तो हमारे बराबरी नहीं कर सकते, तो उनकी भूल है। कि विवाद तो इसी वजह से चल रहा है कि मतलब सब लोग सोच रहा है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, सब लोग में हम ही लगा है ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में। रोज़ विवाद पे विवाद हो रहा है, स्टेज पे आके गाली दे देते हैं, लाइव में आके गाली दे देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों पे असर पड़ रहा है कि नहीं? देखिए हम असर बोल रहे हैं, हमारा इतना असर पड़ रहा है कि हम लोग को देखिए जो भी स्टार हैं भोजपुरी के, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े लेवल का स्टार हो, अभी विवाद भोजपुरी में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। इसी को लेकर हम पहुँचे हुए हैं एक शूटिंग प्लेस पे जहाँ पे भोजपुरी का शूट चल रहा है। सबसे पहले हम आपका जानेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम जो भी आपका चैनल न्यूज लाइट है, सारे दर्शकों को मैं अपने तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम सिंगर पृथ्वी पिया है और मैं सैड सॉन्ग, लाइट गीत और क्लासिकल गीत भी गाया हूँ और गाता भी हूँ और अच्छा लगता है हमको गाकर। अच्छा मैम आपका क्या नाम? नमस्कार प्रणाम, हम सोनम यादव। सबसे पहले भोजपुरी में विवादित चल रहा है, आप लोग इस नए इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हुआ था खेसारी जी का जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके लेवल तक कोई नहीं है, उनसे सब नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छोटे कलाकारों को अपने साथ कुछ सिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, उनको बूस्ट देना चाहिए था, लेकिन वो डिमोरलाइज कर रहे थे, इस पर आपका क्या कहना? देखिए वो तो हमारे जितने भी स्टार हैं, हम लोग से जितने के ऊपर के लोग हैं, ये नहीं कैसा पौन भी और कैसारी बेग में बात नहीं करूँगा, हमसे जितने भी ऊपर के कलाकार हैं, जितने भी स्टार हैं, मैं उन लोगों से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ जो आपस में लड़ जाते हैं। उन लोगों को पता है कि हमारे की ये इंडस्ट्री है और हम ही आपस में मिलकर नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, हम इंडस्ट्री कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। और उन्हीं लोगों का देन है जो हमारी इंडस्ट्री आगे जा रहा है। और रही बात आप जो बोले हैं कि उन लोग बोलते हैं कि नहीं जो भी गायक हैं वो हमारे लेवल के नीचे हैं, लेवल के ऊपर हैं, तो भोजपुरी में हम आप सबको एक बात बता दें कि एक दिन सबका बराबर किसी का नहीं रहता। मैम आपको क्या लगता है ये सब जो विवाद चल रहा है किस वजह से चल रहा है? विवाद तो इसी वजह से चल रहा है कि मतलब सब लोग सोच रहा है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, सब लोग में हम ही लगा है ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या ही बोले, मतलब कि इसमें कोई अपने में किसी को मिलाप नहीं है अपने में कि हाँ कि मतलब मिलाप करके रहें, नहीं। यही है कि अगर आप हिंदी बॉलीवुड में चले जाइए तो बॉलीवुड में इतना नहीं होता है जितना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है। उन लोगों को बॉलीवुड से ही देखना चाहिए था कि भोजपुरी में मतलब कि कैसे बॉलीवुड में लोग रहते हैं, थोड़ा सा भी विवाद नहीं होता है, विवाद भी होता है तो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन भोजपुरी में है कि इसको इतना आगे लोग बढ़ा देते हैं कि सब लोग जान जाता है कि क्या ही हो रहा है भोजपुरी में, इसीलिए और नीचे होते ही जा रहा है भोजपुरी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हम अभी शूटिंग प्लेस पे ही हैं और आपको बता दें कि जो विवाद छिड़ रहा है इसे खुद पे जातिवाद ना करें, आपस में ना भिड़े, ये सब जो स्टार हैं आज विवाद है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका अगर दोस्ती ख़राब हो जाता है तो वो लंबे समय तक चलेगा, तो विवाद में ना फंसे। और छोटे हो या बड़े हो सबको एक समान समझना चाहिए, आप अगर बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं तो उसका दुरुपयोग ना करें। न्यूज़ लाइट के लिए मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।